भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज कार्यालय पर पूर्व महापौर, पूर्व सांसद तथा कुशल उद्यमी रहे स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्ता की पुण्यतिथि भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. नरेंद्र कुमार सिंह गौर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया कि उनके साथ हम सभी का पारिवारिक संबंध रहा है। चाहे रामजन्म भूमि संबंधी आंदोलन में अयोध्या जा रहे कारसेवकों को रुकने खाने पीने की व्यवस्था या किराया आदि के लिए पैसा देने तक का उन्होंने काम किया, सच कहा जाए तो वह राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विशिष्ट अतिथि काशी प्रांत भाजपा उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण हो या शहर का कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार की आवश्यकता हुई, उसे विश्वास था कि हमारी समस्या का समाधान यही होगा और सांसद जी उसकी हर संभव सहायता करते रहे। जब वह महापौर रहे, उसके बाद जब वह सांसद चुने गए कार्यकर्ता और आम नागरिक के लिए उन्होंने अपने घर के दरवाजे सदैव खुले रखे तथा समस्याओं का समाधान करने में कभी पीछे नहीं रहे। इस अवसर पर स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्ता के बेटे विदुप अग्रहरी ने कहा कि मुझे मेरे पिता ने गरीब व पीड़ित की सेवा करने से पीछे मत रहना, जिनके आशीर्वाद से मैं भी उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। 25,000 लोगों को रोजगार दिया है, हमारा लक्ष्य 75,000 लोगों को रोजगार देने का है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। आज उनकी हमारे पिताजी स्वर्गीय श्यामाचरण जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है और उस उपलक्ष्य में एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रयागराज में रखी गई और अध्यक्षता हमारे महानगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र मिश्रा जी और तथा मुख्य अतिथि के तौर पे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ जी यहाँ पे आए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण यहाँ पे आए, तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ पे आए। हम सबको अभी अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हैं, आज इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। आज उनको हम याद कर रहे हैं और याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास करें, यही हमारी प्रयास है। आपके पिताजी भी हैं, तो आपने कितना आप लोगों से जो है किस तरीके के आपके उनके साथ संबंध रखते हैं, संबंध कैसे रखते हैं, क्या आप प्रेरणा के स्रोत रहे होंगे? हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं हम और वो जिस तरीके से व्यापार तथा समाज दोनों में जिस तरीके से वो सामंजस्य बना करके चलते थे और कभी भी उनका एक ही लक्ष्य होता था और वो हमेशा उसको उन्होंने पालन किया और हमको भी यही वो सिखाते थे कि ईमानदार बन करके सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो। व्यापार से राजनीति करना, कभी भी राजनीति से व्यापार करने का प्रयास मत करना, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का रास्ता है, ये कभी भी मत करना, ये उनका हमको ये सिखाया करते थे। धन्यवाद जी। देखिए, प्रयागराज की शान है, प्रयागराज के में यहाँ से मेयर रहे, दो बार सांसद रहे, प्रतिष्ठित व्यापारी रहे। श्यामाचरण गुप्त जी की पुण्यतिथि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ कार्यालय पर मनाई है। मेरा सौभाग्य रहा कि राजनीति में शुरुआत जो 91 में वो सांसद के चुनाव लड़े थे, मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मैंने देखा कि एक वो हमेशा जन सेवा में लगे रहते थे, जो भी व्यक्ति उनके पास जाता था हर तरह का उनका सहयोग करता था। एज ए पार्लियामेंटेरियन उन्होंने लोकसभा में प्रयागराज की देश के अनेकों समस्याओं को उन्होंने उठाया और मेयर के नाते प्रयागराज के विकास की नींव उन्होंने डाली थी। आज हमारी केंद्र प्रदेश में सरकारें हैं या हमारा मेयर है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जिसकी नींव श्यामाचरण गुप्ता ने डाली थी, आज प्रयागराज को हम लोग और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसका श्रेय अगर शुरुआत की जाती है वो श्यामाचरण की जाती है। आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं।